कैपिटल सिटी ऑफ बीकानेर। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित बीकानेर पुराने समय में जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो नेशनल कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली से तकरीबन 425 किलोमीटर, स्टेट कैपिटल सिटी जयपुर से करीबन 335 किलोमीटर और ब्लू सिटी जोधपुर से 250 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जो लॉक करता है अपनी बाउंड्रीज को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और 168 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से। राव जोधा के पुत्र राव बीकानेर करणी माता के आशीर्वाद से 1488 ईस्वी में बीकानेर की नींव रखी और बीकानेर शहर को बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया। लगभग 30,247 वर्ग किलोमीटर में फैला आज का बीकानेर जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो मुख्य रूप से टोटल 8 तहसीलों से मिलकर बना है। वही अगर हम बीकानेर की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बीकानेर जिले की टोटल पॉपुलेशन 23,63,937 है, जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग राजस्थान का 11वां सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है। बीकानेर की सुंदरता को थार रेगिस्तान के साथ साथ यहाँ के मौजूद रेत के सुनहरे टीले और भी अधिक आकर्षित बना देते हैं। ये रंगीन शहर है जो सौंदर्यता के भरपूर खजाने को अपने आप में समेटे हुए हैं। यहाँ की विश्व प्रसिद्ध हवेलियाँ और पैलेस लोगों को अपनी ओर खींच लाते हैं, जिसके कारण बीकानेर को पर्यटन का गढ़ कहा जाता है। बीकानेर का इतिहास काफी ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण है, और तो और यहाँ का सांस्कृतिक सौंदर्य भी अपनी विशेष प्रसिद्धि के कारण पूरे राजस्थान में विख्यात है। बीकानेर शहर में पुरुषों की पोशाक बहुधा लंबा अंगरखा या कोट, धोती और पगड़ी है, तो वही स्त्रियों की पोशाक लहंगा, चोली और दुपट्टा है। यहाँ के अधिकांश लोगों की भाषा मारवाड़ी है, जो राजपूताने में बोली जाने वाली भाषाओं की मुख्य भाषा है, लेकिन अमूमन रूप से सरकारी कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बीकानेर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर एक, प्राचीन समय में बीकानेर को राती घाटी के नाम से जाना जाता था। विक्रम संवत 1542 को राव बीकानेर राती घाटी के एक टीले पर अपने लिए एक छोटा सा किला बनवाया था। इस किले को बीका की टेकरी कहा जाता था, जहां वर्तमान में लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के सामने गणेश जी का मंदिर स्थित है। स्वतंत्रता के बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के तहत बीकानेर रियासत को राजस्थान में शामिल किया गया। फैक्ट नंबर दो, बीकानेर में स्थित जूनागढ़ फोर्ट, जिसको अमूमन रूप से चिंतामणि फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, ये राजस्थान के उन मुख्य दुर्गों में से एक है जो पहाड़ी पर नहीं बनकर समतल मैदान में बने हैं। आज का बीकानेर इसी दुर्ग के आसपास विकसित हुआ है। इस किले के भीतर बने हुए महल और मंदिर मुख्य रूप से लाल बुलो पत्थर और संगमरमर से बने हैं। इस किले के एंट्री गेट को सुरुज पोल के नाम से जाना जाता है। ये दुर्ग राजस्थान का पहला ऐसा दुर्ग है जिसमें लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। फैक्ट नंबर तीन, बीकानेर की शोभा सिर्फ यहाँ के महल और रेगिस्तानी नहीं, बल्कि यहाँ के विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी अपनी स्थापत्य कला और चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। बीकानेर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है करणी माता का टेंपल, जो बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर को छुआ के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। इसके साथ ही यहाँ का श्री कोलायत जी का मंदिर, हरम गणपति का मंदिर और भांडासर के जैन मंदिर भी अपनी प्रसिद्धि के कारण बीकानेर को अलग पहचान दिलाते हैं। फैक्ट नंबर चार, जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना के अन्य राज्यों की अपेक्षा बीकानेर में सबसे कम वर्षा होती है। वर्षा के अभाव में नहरें कृषि सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं। बीकानेर में गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर आने के बाद इस जिले का विकास शुरू हो गया। यहाँ की अधिकतर फसलें हैं बाजरा, तिलहन, सरसों, जौ और इत्यादि। बीकानेर के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि के साथ साथ दूध उत्पादन करना, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, नमक, पापड़, भुजिया और बड़ी बनाने जैसे इत्यादि व्यवसाय मौजूद हैं। फैक्ट नंबर पाँच, अगर बीकानेर को मेलों का शहर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के प्रसिद्ध मेले और फेस्टिवल इस शहर में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में जाने जाते हैं। अगर यहाँ के प्रसिद्ध मेलों की बात की जाए तो वो है कत्रियासर में जसनाथ जी का मेला, कोलायत जी मेला, मुकाम का जम्बेश्वर जी मेला, करणी माता का देशनोक मेला और सीसा भेरू मेले के साथ साथ यहाँ के कई सारे छोटे छोटे मेले अपनी सुंदरता के कारण जाने जाते हैं। फैक्ट नंबर छः, अगर बीकानेर की बात करें और यहाँ के इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल की बात ना करें तो बीकानेर कहीं ना कहीं अधूरा लगता है। यहाँ पे आयोजित किया जाने वाला ऊंट महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा कैमल फेस्टिवल है। इस ऊंट महोत्सव के दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इनमें से कुछ हैं देखते अंगारों पर पारंपरिक नृत्य करना,
ऊंट की चवारी, कैमल डांस और विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां की जाती है। इस कार्यक्रम के दौरान जमकर आतिशबाजी की जाती है। ये फेस्टिवल बीकानेर पिछले 28 वर्षों से लगातार मनाता आ रहा है। फैक्ट नंबर 4, वैसे तो बीकानेर अपनी कई सारी स्वादिष्ट व्यंजनों के कारण जाना जाता है, लेकिन यहाँ की विश्व प्रसिद्ध भुजिया सेव बीकानेर को अलग पहचान दिलाती है। इस भुजिया का इतिहास आज से तकरीबन 150 साल पुराना है। इस भुजिया की शुरुआत 1877 में महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद इसका स्वाद लोगों की जुबान पर ऐसा सड़ा कि ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई। आज के समय में बीकानेरी भुजिया पूरे विश्व में तकरीबन 20 लाख लोगों को रोजगार देती है। फैक्ट नंबर 8, चलिए अब बीकानेर को कवर अप करते हैं यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग। वैसे तो बीकानेर टूरिज्म का होम टाउन है, लेकिन यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं जूनागढ़ फोर्ट, लालगढ़ महल, कैमल रिसर्च सेंटर, यहाँ की हवेलिया, बीकानेर डेजर्ट, करणी माता टेम्पल और लक्ष्मीनाथ मंदिर के साथ साथ यहाँ पे कई सारे और भी टूरिस्ट प्लेस मौजूद हैं, जो बीकानेर को पूरे राजस्थान में टूरिज्म के अकॉर्डिंग छठा स्थान दिलाते हैं। फैक्ट नंबर 9, वैसे तो बीकानेर के कई सारे फैक्ट हैं जिसको हम एक वीडियो में कवर अप नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिसके बारे में हम आपको इस फैक्ट के रूप से संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे पूरे विश्व भर में जिप्सम की सबसे बड़ी खान बीकानेर के विश्रासर में स्थित है। राजस्थान की प्रथम महिला जिला कलेक्टर ओटिमा बोडिया बीकानेर से बिलोंग करती हैं। बीकानेर का राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र एशिया का प्रथम ऊंट अनुसंधान केंद्र है। पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास केंद्र और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर जिले में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी जेल बीकानेर में स्थित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही रोमांचक वीडियो और भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकॉन। जय हिंद, जय भारत।